नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा का 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्या धनम। विद्या धनम अर्थात विद्या का धन या विद्या रूपी धन। तो इसमें ये जो श्लोक हैं, चार श्लोक हैं, इसमें विद्या के महत्व के विषय में बताया गया है। विद्या से रिलेटेड सारे श्लोक हैं, तो चलिए हम इनके विषय में जानते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम यानी कि न मीन्स नहीं, चौरहार्यम चोर के द्वारा चुराया जाने योग्य, न च और नहीं, राजहार्यम मतलब राजा के द्वारा छीनने योग्य, न नहीं, भ्रातृ मतलब भाई, भाज्य मतलब विभाजित या बांटने योग्य, न नहीं और भारकारी और न तो यह भार बढ़ाने वाली यानी कि बोझ बढ़ाने वाली है। तो किसके विषय में यह बताया गया? विद्या के विषय में। तो विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता, ना तो ये इसे राजा छीन नहीं सकता, ना भाइयों के द्वारा बांटी जा सकती है ये विद्या, और ना ही यह बोझ को बढ़ाने वाली है। यह विद्या व्यय कृते जितना खर्च करें उतना ही वर्धत मतलब बढ़ती है, एव मतलब ही, नित्य मतलब हमेशा, जितना इस विद्या रूपी धन को खर्च करो उतना यह हमेशा ही बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, और ये जो विद्या रूपी धन है वह सभी धन में प्रधान है, सभी धनों में यह मुख्य है। तो देखिए विद्या कितनी इम्पॉर्टेंट है। यह विद्या ना तो चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, ना राजा इसे छीन सकता है, ना भाई इसे बांट सकते हैं, और ना तो यह बोझ को बढ़ाती है। और हम जितना इस विद्या को खर्च करते हैं, यह खर्च करने पर भी पैसे के समान खत्म नहीं होती, बल्कि यह बढ़ती ही है। तो इसीलिए यह विद्या हमें हमेशा सभी धनों में प्रधान बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। तो विद्या नरस्य मतलब मनुष्य का, रूपम अधिकम रूप से अधिक, प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ, गुप्तम मतलब गुप्त, धनम मतलब पैसा। तो विद्या जो है मनुष्य का रूप से अधिक यानी कि सुंदरता से अधिक छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या भोग करी यानी कि भोग की वस्तुएं प्रदान करने वाली यानी कि सारी सुख सुविधाएं ऐश्वर्य के साधन प्रदान करने वाली है और यश देने वाली है। सुख करी यानी कि सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या मित्र के समान है, बंधुजनों के समान है, कब? जब हम विदेश जाते हैं यानी कि दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो विद्या विदेश जाने में सबसे बड़ी मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या राजाओं में पूजित है यानी कि राजाओं के द्वारा पूजा की जाती है, ना कि धन, यानी कि राजा लोग भी धन की पूजा नहीं करते बल्कि विद्या की पूजा करते हैं। विद्या विहीन पशु, और जो विद्या से रहित है वे पशु के समान है। ठीक है, नेक्स्ट। केयुराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। तो केयुराह यानी कि बाजूबंद है, बाजूबंद से नहीं शोभा होती है, किसकी? पुरुष की यानी कि मनुष्य की। मनुष्य की शोभा बाजूबंद धारण करने से नहीं होती, और ना ही चंद्र के समान उज्जवल, चंद्र मतलब चांद, उज्जवल मतलब प्रकाशित, चांद के समान प्रकाशित हार पहन लेने से पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है, ना स्नान करने से, ना विलेपनम मतलब चंदन का लेप करने से भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती, ना कुसुमम ना अलंकृता, और ना ही फूल वगैरह से, मूर्धजा मतलब बालों को, और ना ही चोटी में
फूलों के द्वारा साज सज्जा करने से सुंदरता बढ़ती है, बल्कि वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम, एकमात्र वाणी ही है जो पुरुष को समलंकरोति मतलब अलंकृत करती है, सजाती है, या संस्कृताधारित है, और जो संस्कार से पूर्ण वाणी, ऐसी वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है। शीयन्ते अखिल भूषणानि, यानी कि शीयन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, अखिल मतलब समस्त, भूषणानि मतलब आभूषण, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततम मतलब हमेशा, वाग भूषणम मतलब वाणी रूपी आभूषण, भूषणम ये जो वाणी रूपी आभूषण है वह हमेशा ही रहता है। सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सोने चांदी से बने गहने नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वह हमेशा ही रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्माद् अन्यं उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। तो विद्या जो मनुष्य का कीर्ति तुला है, यानी कि कीर्ति फैलाने वाली विद्या से ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है, और भाग्य के क्षय होने पर भी, यानी कि भाग्य यदि साथ ना भी दे तो भी जो विद्या है वह उसका आश्रय होती है, आश्रयदाता होती है, यानी कि विद्या जो है मनुष्य का आश्रयदाता तब भी होती है जब उसका भाग्य भी साथ नहीं देता। और धेनु काम दुधा, धेनु मतलब गाय, काम दुधा मतलब काम धेनु के समान, काम धेनु गाय के समान यह विद्या हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। और रतिश्च विरहे, विरहे मतलब अकेलेपन में, रतिश्च ये प्रेम देने वाली है, यानी कि जब हम अकेले होते हैं तो विद्या यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वह विद्या ही हमें स्नेह दे रही है, वह विद्या से ही हमें प्रेम मिल रहा है, तो विरह में यह विद्या ही हमें प्रेम देती है। नेत्रम तृतीयम चसा, और यह हमारी तीसरी आंख के समान ही है, जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें कहते हैं कि उसकी तीसरी आंख, यानी कि विद्या को ही तीसरी आंख बताया गया है, तो यह विद्या ही तीसरी आंख कही जाती है मनुष्य की। सत्काराय यतनम कुलस्य, सत्काराय यतनम यानी कि यह सम्मान को बढ़ाने वाली है विद्या, और कुलस्य महिमा, कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है ये। रत्नैर विना भूषणम, रत्न ना होने पर भी, यानी कि हीरे मोती ना भी हो तब भी हम धनवान होते हैं इस विद्या रूपी आभूषण के द्वारा। तस्माद अन्य उपेक्ष, और इसीलिए सब दूसरे सब कुछ छोड़ करके, सर्वम विषयम दूसरे सारे विषयों को छोड़ करके, विद्याधिकारम कुरु विद्या का अधिकार ही करना चाहिए, यानी कि विद्या ग्रहण करने का ही हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उपेक्ष मतलब छोड़ करके, इसलिए सब बाकी दूसरे विषयों को छोड़ करके हमें विद्या का अधिकार ही करना चाहिए, मतलब विद्या ग्रहण करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बाकी दूसरे काम एक तरफ और विद्या ग्रहण करने का कार्य एक तरफ हमें रख लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया होगा, विद्या के विषय में जो बताया गया है, और इसकी अगली कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।